बलिया जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने कलेक्टरेट सभागार में गुरुवार को हुई जनशिकायतों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों के पेंच कसे। उन्होंने कहा कि खासकर संपूर्ण समाधान दिवस व जनता को राहत पहुंचाने से जुड़े मामलों को गंभीरता के साथ लें। डिफॉल्टर श्रेणी में शिकायत का जाना ही अधिकारियों की लापरवाही पुष्ट कर देगी। स्पष्ट किया कि जिनकी शिकायत डिफॉल्टर होगी उनकी जवाबदेही तय की जाएगी और लापरवाही मिली तो कार्रवाई भी होगी। कलेक्टरेट के विभिन्न टेबल के लिपिकों को चेताया कि पेंशन विभागीय कार्यवाही अभिलेखों के रखरखाव व रिपोर्टिंग जैसे मामलों में अपनी जिम्मेदारी समझें। ऐसा नहीं करें कि निलंबन की स्थिति का सामना पड़े। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से कहा कि डाक पहुंचने का इंतजार नहीं करें बल्कि पोर्टल की जाँच हर रोज कर लें। वहीं से शिकायत का प्रिंट निकालकर जाँच करवाएं और निस्तारित कर ऑनलाइन रिपोर्ट भी कर लें। इससे जाँच के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाएगा और निर्धारित समय में शिकायतों का निस्तारण भी हो जाएगा। आर्थिक मदद से संबंधित 58 मामले डिफॉल्टर होने पर जिलाधिकारी ने सवाल किया। कहा, इन मामलों का लंबित होना अत्यंत आपत्तिजनक है, संबंधित अधिकारी सचेत हो जाएं। बैठक में एडीएम राम आश्रय, एसडीएम सिकंदरपुर अन्नपूर्णा गर्ग, एसडीएम रसड़ा विपिन जैन, एसडीएम सदर अश्विनी श्रीवास्तव, एसडीएम बेलथरा राजेश यादव, ईडीएम अभिजात सिंह आदि मौजूद थे। बलिया से अंजनी राय की रिपोर्ट।